नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं Zebronics का एक गेमिंग माउस जिसका मॉडल है Zeb-Phobos। और दोस्तों ये जो Zeb-Phobos आप देख रहे हो इसका एक बड़ा भाई भी आता है, उसका मॉडल है Zeb-Phobos प्रो। और उसमें इसमें क्या डिफरेंस है वो तो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस माउस को अनबॉक्स करेंगे और रिव्यू करके देखेंगे कि क्या ये माउस जो है गेमिंग पर्पस के लिए सही है, या फिर इसके अंदर हमें जो प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसका जो लुक है और RGB का जो पैटर्न है, कितना RGB लाइट इसके अंदर से निकलता है, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे विस्तार से। ये जो माउस है इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, ये जो Zebronics का Phobos माउस है और ये जो Phobos नाम आप सुन रहे हो ये एक मून का नाम है, जो कि दोस्तों हमारे ही सोलर सिस्टम का एक ग्रह है जिसका नाम है प्लूटो। उसका दो चांद है, एक है Phobos एक है डिमोस। तो उसी Phobos के नाम पे इस माउस का नामकरण किया गया है। तो देखते हैं इसका नाम कितना ज्यादा सार्थक होता है, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द आज के ये जो अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो है शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा Zebronics का Zeb-Phobos माउस। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो प्रीमियम गेमिंग माउस इसको कहा जा रहा है। अभी दोस्तों हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बॉक्स के ऊपर हमें फीचर्स और जो स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप फीचर्स में देख सकते हो कि इकोनॉमिक डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, RGB लाइट यहाँ पे दोस्तों 11 मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों हाई रेजोल्यूशन गेमिंग गियर सेंसर भी हमें देखने को मिलता है। एडवांस विंडो सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसके मदद से आप ये जो माउस है इसके जो साइड बटन्स है और जो RGB का शायद जो पैटर्न है उसको आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर चीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी USB कनेक्टर भी देखने को मिल जाता है, RGB इंडिकेटर फॉर DPI देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हाई पुलिंग रेट अप टू 1000 हर्ट्ज का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके साथ हमें ड्यूरेबल ब्रीडेड केबल के साथ ये जो माउस है हमें देखने को मिलता है। उसके दोस्तों साथ नीचे की तरफ हमें कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे कि USB का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ बटन की बात करते हो पे हमें 8 बटन देखने को मिलता है। पावर कंज्यूम यहाँ पे 5 वोल्ट पे चलता है, 100 mAh का ये मैक्स कंज्यूम करता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 500, 1000, 2000 और 4000 DPI का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बटन का जो प्रेसिंग साइकिल है वो दोस्तों यहाँ पे 3 मिलियन साइकिल कहा जा रहा है। 1.8 मीटर का केबल है जो कि दोस्तों एक माउस के हिसाब से बहुत ही बड़ा केबल है। और इसके साथ हमें जो डायमीटर भी देखने को मिल जाता है, वेट है दोस्तों 138 ग्राम्स। यहाँ पे जो ड्राइवर का कैसे आप ड्राइवर जो है डाउनलोड कर सकते हो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पे जाके ये जो माउस का जो ड्राइवर है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे कुछ आप हाईलाइटेड फीचर्स भी देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे USB इंटरफेस, RGB लाइट्स, 8 जो बटन हमें देखने को मिलता है, 11 आपको LED मोड्स, 4000 मैक्सिमम DPI और DPI स्विच भी देखने को मिल जाता है ब्रिडेड केबल के साथ। तो चलिए अभी हम इस माउस को अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। लीजिए दोस्तों हमारा माउस का जो डब्बा है वो तो ओपन हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे भी माउस का डब्बा ओपन करने के बाद इसके अंदर भी हमें कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा। तो अभी इसको भी हम हटाते हैं साइड में। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो माउस के अंदर का जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रिंट किया गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस डिज़ाइन को अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं माउस की बात कर लेता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा माउस। और दोस्तों अगर केबल्स की क्वालिटी की बात करें तो ये दोस्तों केबल बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको ब्रीडेड केबल के साथ जो गोल्ड प्लेटेड USB है वो भी देखने को मिलता है। अभी दोस्तों हम माउस की बात करते हैं। माउस के ठीक दोस्तों पीछे ही हमें यहाँ पे जो Zebronics Phobos का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वगैरह कुछ जानकारी यहाँ पे भी दिया गया है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपका जो सेंसर है वो देखने को मिलता है। सेंसर के दोस्तों ठीक बगल में ही यहाँ पे एक स्विच दिया गया है जिसकी मदद से आप जो इसका
RGB है, RGB का जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हो। और माउस के ठीक ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दोस्तों दो प्लस एक प्लस का और एक माइनस का बटन दिया गया है, जो कि दोस्तों DPI का स्विच है। प्लस को दबाओगे तो DPI बढ़ेगा और माइनस को दबाओगे तो DPI घटेगा। और उसी के दोस्तों ठीक साइड में ही हमें तीन स्विच देखने को मिलता है, यहाँ पे एक स्विच है, दूसरा वाला इधर पे है, तीसरा वाला आपको यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों ये जो तीनों जो स्विच है इनको आप जो ड्राइवर है उसके साथ इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो स्क्रोल है, स्क्रोल भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्क्रोल जो है हमें इस बार देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों स्क्रोल के ऊपर रबड़ दिया गया है ताकि जब आप इसको गेम खेलने के टाइम जूम अगर करते हो इससे स्नाइपर को, इससे जूम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके दोस्तों ठीक नीचे ही यहाँ पे हमें जो ज़ेब्रोनिक्स का लोगो है वो भी देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जो RGB जहाँ से ये लाइट ग्लो होगा वो भी देखने को मिल जाता है। वो दोस्तों पूरा ही फर्स्ट से लेकर यहाँ से राउंड होते हुए इधर तक आ जाता है। और सामने की तरफ भी हमें कुछ RGB का जो लाइट है वो भी देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों हम इस माउस को कनेक्ट करेंगे हमारे PC के साथ, उसके बाद इसका जो लाइट है लाइट का मज़ा लेंगे और फिर इसका जो ड्राइवर है वो हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द इस माउस को हम जो कंप्यूटर है कंप्यूटर के साथ पहले कनेक्ट करते हैं। दोस्तों ये जो माउस है इसको हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि दोस्तों आप सामने की तरफ यहाँ पे RGB का जो पैटर्न है वो देख सकते हो, और माउस के जो साइड है साइड में भी यहाँ पे जो RGB है वो पूरा ही शो हो रहा है। एक और बात, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जो माउस का स्विच है, स्विच के ठीक नीचे ही हमें यहाँ पे भी RGB देखने को मिल जाता है। जो स्क्रोल है स्क्रोल के आसपास हमें RGB देखने को मिलता है। इस बटन में RGB नहीं है लेकिन बटन के बीच में से हमें RGB लाइट जो है देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो ज़ेब्रोनिक्स का लोगो है, लोगो में ओनली आपको यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है वो शो हो रहा है। अभी दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे जो RGB का पैटर्न है वो कांस्टेंट चेंज हो रहा है। और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे जो सेंसर है वो भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको लाइट ग्लो हो रहा है। और उसी के साइड में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्विच है दोस्तों, इस स्विच को हम जब भी दबाएंगे तभी इसका जो RGB का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्विच को दबाता हूँ। अभी तो दोस्तों RGB जो लाइट है पूरा ही बंद हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे दबा देता हूँ तो यहाँ पे बस आपका ग्रीन लाइट शो हो रहा है और पीछे में भी आपका जो ग्रीन लाइट यहाँ पे जो है जल रहा है। तो मैं अभी इसको फिर से दबाता हूँ। फिर से जब मैं इसको दबाता हूँ फिर से हमारे पास एक और नया पैटर्न आ रहा है। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये जो माउस है माउस का जो ड्राइवर है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इस माउस का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम अभी हमारे जो कंप्यूटर के स्क्रीन है स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम जो इसका ड्राइवर है उसको डाउनलोड करेंगे। आपको बस सिंपली गूगल पे जाकर लिख लेना है यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स ड्राइवर। उसके बाद आपको एंटर दबाना है और फिर जाके यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जो ज़ेब्रोनिक्स का वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। उसके बाद हम यहाँ से ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ड्राइवर्स आ रहे हैं लेकिन इनमें से कोई भी हमारा नहीं है। अभी हमें यहाँ पे सर्च में क्लिक करना है, जैसे कि हमारा ये जो मॉडल है फोबोस हम माउस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे फोबोस लिख के सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पे फोबोस लिख के सर्च करने के बाद हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक है दोस्तों फोबोस प्रो, दूसरा है फोबोस। तो हमको फोबोस माउस अनबॉक्स कर रहे हैं तो अभी हमें ये जो फोबोस जो ड्राइवर है इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया गया है तो आपको बस यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो ड्राइवर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों हमें ये जो फाइल है ये zip फाइल में मिला है तो मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ। उसके बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे हमारे PC के अंदर। तो यहाँ पे ये अनजिप हो चुका है और फोल्डर के अंदर हमें एक ड्राइवर देखने को मिलता है जो कि दोस्तों बहुत ही छोटा ड्राइवर है, 2 MB का ही है। तो चलिए जल्द से जल्द इसको इंस्टॉल भी शुरू करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपको यस में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। बस ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी बस दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे फिनिश में क्लिक करना है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा।
और उसी के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो Zebronics का Phobos माउस है वो भी यहाँ पे आ चुका है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो DPI है वो अभी 1000 DPI के अंदर रन हो रहा है। अगर आपको 3000 कर देते हो तो 3000 DPI में चलेगा, और अगर 4000 DPI कर देते हो तो 4000 DPI में चलेगा। यहाँ पे दोस्तों इसको सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई में क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपका जो माउस है उसका DPI भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ लेफ्ट बटन राइट बटन करके यहाँ पे बैक बटन है, DPI प्लस माइनस से डबल क्लिक का ऑप्शन है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आपके हिसाब से इसका जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हो। अभी दोस्तों इसका जो RGB का जो पैटर्न है उसको अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लाइटिंग करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों अगर लाइटिंग का जो स्पीड है वो 2 पे सेट है, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम अगर अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो लाइट का जो फ्लो है वो भी हाई हो गया है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्पीड को घटा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ तो जो माउस का जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो पैटर्न है ये भी दोस्तों स्लो हो चुका है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है प्रॉपर काम कर रहा है। अगर इसका जो डायरेक्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको जो ऊपर से लेकर नीचे तक अगर फ्लो कराना है तो वो भी कर सकते हो, अगर आपको नीचे से लेकर ऊपर तक फ्लो कराना है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो डायरेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया है। और इसका जो इफेक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो कलरफुल इफेक्ट है। अभी यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट है, आप एक एक करके आपका जो इफेक्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हो और फिर अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी रेड कलर सिलेक्ट कर दिया है, पूरा ही जो दोस्तों माउस है वो रेड में चला गया है। अभी यहाँ पे जो हमें पहली बार देखने को मिला था ग्रीन लाइट, अभी इसका जो लाइट का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अभी अगर मैं इसको रेड कलर से मैं कुछ चेंज कर दूँ तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं काम करता हूँ व्हाइट कलर सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्राइटनेस को मैं पूरा फुल कर देता हूँ। अभी मैं इसको अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे भी दोस्तों जो व्हाइट कलर है वो जलने लग गया है, हर तरफ आपको व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगा। अभी बस ये जो Zebronics का जो लोगो है शायद ये अपने आप ही जो कलर है उसका चेंज होता रहता है। तो दोस्तों अभी इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट है उसका मजा लेते हैं। उसके बाद हमें ब्रीदिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, स्पीड में यहाँ पे तेज कर देता हूँ तो जल्द से जल्द हमारा जो ब्रीदिंग इफेक्ट है वो भी देखने को हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बहुत सारे जो पैटर्न हमें इस बार देखने को मिलता है, आप दोस्तों आपके हिसाब से जो पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों माउस तो बहुत ही बढ़िया है, इसके साथ हमें जो RGB का जो पैटर्न है वो भी दोस्तों मस्त पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत सारे दोस्तों कस्टमाइजेशन से भरा पड़ा है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन को देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है वेव का, तो अगर मैं वेव को ज़्यादा फास्ट कर देता हूँ तो देखते हैं कैसा वेव आता है। तो इस टाइप का आपको कुछ वेव देखने को इस बार मिलता है। तो चलिए अभी मैं इसका नन करके देखता हूँ, नन करने के बाद क्या होता है। तो जब भी मैं यहाँ पे नन करने के बाद अप्लाई में क्लिक कर देता हूँ, हमारा जो है पूरा ही लाइट जो है RGB है वो बंद हो जाता है, और यहाँ पे जो Zebronics का लोगो है बस उसी में ही लाइट आ रहा है। आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई के बटन के बगल में ही आपको रिस्टोर का बटन देखने को मिल जाएगा। रिस्टोर अगर आप कर देते हो तो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जो है वो हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फैक्ट्री जो डिफ़ॉल्ट है वहीं पे ये माउस चला गया है। अभी दोस्तों टाइम है इस माउस का रिव्यू करने का। तो दोस्तों रिव्यू में सबसे पहले माउस का जो लुक्स है उसकी बात कर लेते हैं। लुक्स में दोस्तों माउस बहुत ही बढ़िया है, इसका जो RGB का प्लेसमेंट है वो सही जगह पे किया गया है। RGB जब जलता है तब माउस बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इसके ऊपर जो हमें बटन्स देखने को मिलता है, प्लस माइनस का बटन इस बार कुछ हमें अलग तरीके से देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों नॉर्मली सिंगल जो DPI बटन होता है, लेकिन इसके अंदर हमें जो 2 DPI बटन मिला है, जो एक प्लस का माइनस का है, तो ये भी लुक्स को और भी ज़्यादा एनहेंस करता है। और जो स्क्रोल है, स्क्रोल का क्वालिटी, स्क्रोल का लुक्स वो भी बहुत ही बढ़िया है। साइड में दोस्तों जो बटन हमें देखने को मिलता है उनका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। रही बात दोस्तों इसके केबल की क्वालिटी की, तो ये केबल जो है ब्रीडेड केबल देखने को मिलता है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लॉन्ग 1.8 मीटर तक ये केबल हमें देखने को मिलता है, और इसी के साथ इसके अंदर गोल्ड प्लेटिंग का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ब्रांड बताता है ये एक प्रीमियम क्वालिटी का माउस है, तो मैं भी बताऊंगा हाँ प्रीमियम क्वालिटी पे ये खड़ा उतरता है। आप एक अच्छा माउस परचेस करने जाओ तो उसका बॉक्स का जो क्वालिटी है वो भी मैटर करता है। तो इसका जो बॉक्स का क्वालिटी है कुछ अलग तरीके का है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस लगा मुझे दोस्तों। ये जो माउस है बहुत ही बढ़िया लगा,
और मुझे इसके साथ कोई भी शिकायत नहीं है। जो सॉफ्टवेयर है वो सीमलेस है, कोई भी उसमें लैग वगैरह या फिर बग देखने को नहीं मिला। सॉफ्टवेयर भी बहुत ही बढ़िया है, बस अप्लाई करते ही इसके अंदर सभी जो फंक्शन है वो वर्क करता है। मुझे इस माउस के रिकॉर्डिंग कोई भी इशू नहीं आया और मैं दोस्तों बताऊंगा ये माउस बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको एक अच्छा बजट के अंदर ज़ेब्रोनिक्स का ही माउस परचेस करना है तो आप इस माउस को परचेस कर सकते हो। मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए आज के इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही जो माउस का अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखता हो तो हेल्प कीजिए आपके दोस्त को इस वीडियो को शेयर करके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आज के इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू के रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की। और दोस्तों हमारा ये जो अमेजिंग यूट्यूब चैनल है एवर टेक्नोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन दबा दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो हर रोज देखने के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है सौरभ और अभी तक आप देख रहे थे एआईओए टेक्नोलॉजी का वीडियो। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।